मैं जब जाता था एक्चुअली गांव में, तो पीछे से वो बच्चे चिल्लाते थे डॉम डॉम बोल के, माटू डॉम ऐसा चिल्लाते थे। मैं दुकान जाता था तो ऐसे दूर से पैसा देना। बापसा बात कर रहा है ऑप्रेस्ड यूनिटी का, तो जितना भी ऑप्रेस सेक्शन के स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो आसाम से आए, गोरखालैंड से आए, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर से आए और आपका सिक्किम से आए, तो उसके बाद आप मुस्लिम स्टूडेंट आता है, दलित स्टूडेंट आता है, आदिवासी स्टूडेंट आता है, ओबीसी स्टूडेंट आता है, तो ये एक सारा स्टूडेंट का बात कर रहा है, ऑप्रेस्ड यूनिटी का बात कर रहा है, नॉट ओनली फॉर कैंपस बट रिप्रेजेंटिंग द ऑथेंटिक वॉइस ऑफ द पीपल आउटसाइड ऑल्सो। मैं जिस प्रकार से आया, ये बहुत सारे जो हमारे जो गरीब छात्र हैं, दलित आदिवासी छात्र हैं, इनके लिए बहुत ही लाइक इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सिचुएशन, और मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था। ये कास्ट वाला इतना खतरनाक हेट्रेड वाला पॉइजन है एक्चुअली, ये वो बचपन से सिखाया जाता है, वो जो हिंदू वो बच्चे होते हैं उनको उनके घर से ही वो शिक्षा मिलता है, और ये एजुकेशन सिस्टम ने ये जो कॉन्शियसनेस जो लेवल एक क्रिएट करना चाहिए था, वो इंडिया का एजुकेशन उसके लिए बना ही नहीं है, कभी ये बताया नहीं है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम से बाहर ही मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होता है। मैं नागपुर जाता हूँ, वहाँ पे अम्बेडकर के बारे में पढ़ता हूँ, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ता हूँ, तब जाके जो कॉन्शियसनेस का वाला सवाल है वो पैदा होता है, तब जाके एक रिवोल्ट, जो रिवोल्ट है, जो सोशल रिवोल्यूशन है मेरे जो दिमाग में कॉन्शियसनेस में, वो डेवलप होता है वहाँ से ही। ये यूनिवर्सिटी में भी जातिवाद और जातिवाद के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे, सेक्सुअल माइनॉरिटी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बोथ होता है। चाहे वो इंटरव्यू में जीरो मार देना है, और इंटरव्यू में भी ये जो है कि आपका सरनेम लोग ढूंढेगा और उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करके मार देता है। अगर बादशाह का डिस्कोर्स देखेंगे तो बादशाह ऐसा ग्लोरीफाई नहीं करता है जेनू को, उसका रीज़न बेसिकली ये है कि ये भी इस देश से बाहर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक देश से बाहर नहीं है और ये देश का पार्ट है।